तो ये सिर्फ हाइड्रा मशीन है, अभी हमारे पास और मशीन है जो आपको स्लाइस करेगा, छीलेगा, फिर आपका हाइड्रा में जाएगा। टोटल मैम एक मेथी जैसे चिप्स बनाने में कितना मशीन का उपयोग होगा? टोटल मशीन आपका 4 से 5 चला जाता है। पैकिंग, हाँ पैकिंग मशीन भी लेना पड़ता है, जो आपका वाइब्रेटर पैकिंग लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। 5 का पैकिंग करना है आपको तो वाइब्रेटर मशीन लीजिए, पाउच पैकिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू, आप देख रहे हैं गुड्डू ब्लॉग्स। दोस्तों फिर से एक बार और आ गया न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में बताने। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को ये मशीन दिख रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया जाएगा वीडियो पर, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। ये मशीन किस चीज़ का, एक घंटे में प्रोडक्शन कितना करता है, एक दिन में प्रोडक्शन कितना करता है, महीने का कितना कमा सकते हैं, मशीन का प्राइस कितना, ये वीडियो में पूरा जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसकी बिल्कुल। तो मैम नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। नमस्कार सर, हम आपका स्वागत है हमारी फूड मार्ट कंपनी में। जी मैम शुक्रिया। मैम आज बताइए किस बिजनेस के बारे में आप जानकारी देने वाले हैं दोस्तों को, व्यूअर्स को? आज हम फूड से रिलेटिव जानकारी देने वाले हैं व्यूअर्स को। जी मैम आज तो बताइए इस मशीन के बारे में जानकारी देने वाले, इसके बारे में बताइए। जैसे कि मैं आज पोटैटो चिप्स की जानकारी देने वाली हूँ, जो आपके कोई भी एरिया में रहे, गाँव रहे चाहे शहर रहे, इसका बिक्री होता ही होता है, इसका सेल होता ही होता है। हाँ जैसे ये आपका हो गया हाइड्रा मशीन, हाइड्रा हाँ, जिसमें आप ये स्लाइस कीजिएगा, आलू छील करके स्लाइस कीजिएगा, तब इसमें पानी भी सोख लेगा, ठीक। उसके बाद आप तलिएगा, तल करके फिर इसमें डालिएगा तो ऑयल भी सोखेगा, ऑयल भी सोखेगा, हाँ, पानी भी सोखेगा। हाँ, ये बस सोखने का काम करता है, जो बचा हुआ उसमें ऑयल रह जाता है, पानी रह जाता है, वो ये सोखता है जी। ठीक है मैम, ये बतला दीजिए इसमें कितना एचपी का मोटर लगा हुआ है? इसमें आपका हाफ एचपी का मोटर लगा हुआ है। जी दोस्तों इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा दिखला दीजिए, यहाँ पर हाफ एचपी का मोटर लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को अच्छा दोस्तों क्वालिटी का भी मिलेगा मोटर। मैम ये बतला दीजिए मशीन लिया जाता है कोई गारंटी वारंटी जैसे बतला दीजिए इसके बारे में कुछ? जैसे कि अभी तो ये सिर्फ हाइड्रा मशीन है, अभी हमारे पास और मशीन है जो आपको स्लाइस करेगा, छीलेगा, फिर आपका हाइड्रा में जाएगा। टोटल मैम एक मेथी जैसे चिप्स बनाने में कितना मशीन का उपयोग होगा? टोटल मशीन आपका 4 से 5 चला जाता है। पैकिंग, हाँ पैकिंग मशीन भी लेना पड़ता है, जो आपका वाइब्रेटर पैकिंग लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहता है। 5 का पैकिंग करना है आपको तो वाइब्रेटर मशीन लीजिए, पाउच पैकिंग वाइब्रेटर में, क्योंकि वो मतलब थोड़ा सा वाइब्रेट करके आपका वो पैकिंग करेगा। अगर एक वाला पैकिंग वाला आप मतलब नॉर्मली हाफ ऑटोमेटिक ले लेते हैं आप, तो वो गिरेगा तो आपका आधा टुकड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो पतला पतला स्लाइस में रहता है, वो ज्यादा पतला रहता है तो वो टूटने का डर रहता है, तो आप जितना का बेचिएगा नहीं उतना का आपका लॉस हो जाएगा। उससे अच्छा वाइब्रेटर मशीन लीजिए, उससे आराम से पैकिंग कीजिए। और आइए हम आपको चिप्स का दिखाते हैं। जी और आइए तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका भी पार्ट मशीन यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों रॉ मटेरियल का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको पता है हर घर में दोस्तों रॉ मटेरियल मिलेगा। आलू किसके घर में नहीं होता, हर किसी के घर में चाहिए, इसके लिए रॉ मटेरियल का दोस्तों जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों दिए गए स्क्रीन नंबर पर वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। मैम तो नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन। तो आप लोग तो जैसे जान ही रहे हैं कि आलू तो सब्जी का राजा है, तो आलू तो सब जगह मिल जाता है, आलू की कोई कमी नहीं है, आलू तो सब जगह मिल जाती है। तो जैसे ये आपका हो गया आलू छिलने वाली, छिलने वाला, ठीक है, इसमें आलू आप डालिएगा वो खुद से, सॉरी ये छिलने वाली है, ठीक है, इसमें आलू डालिएगा वो खुद से गोल गोल घूमते घूमते हल्का हल्का, हाँ हाँ, पानी वगैरह डाल करके इसका अति कीजिएगा तो वो छिला करके सीधे आप नीचे गमला लगा दीजिए, उसमें वो निकल जाएगी, ठीक है। फिर इसमें आप डालिएगा स्लाइस करने के लिए, स्लाइस करने के लिए, हाँ उसकी कटिंग करने के लिए, आलू को काटने के लिए बारीकी से जी, तो इसमें आप डालिएगा तो वो कटिंग होगा। फिर आप लास्ट, फिर उसके बाद अब हम आते हैं हाइड्रा में, हाइड्रा में हाँ, जो आपका सोखेगा, पानी सोखेगा, फिर आपका अगर आप डीजल भट्टी लेते हैं तो उसमें आप तलिए, अगर आप कम पूंजी लगाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि अभी डीजल भट्टी हम नहीं लेंगे, हम घर ही में उपयोग करते हैं, तलने का तो घर में भी उपयोग कर सकते हैं, बड़ा सा कड़ाहा लेके आप तल सकते हैं, तो तलने का कोई अथी नहीं है, आप घर पे भी तलो या फिर आप मशीन भी ले लो ऑटोमेटिक, अगर बड़े स्तर पर करना है बिजनेस तो ऑटोमेटिक मशीन लो। मैम ये बतला दीजिए, सब बोलता है कि वैसे मशीन ले लेंगे, इसका एरिया कितना लगता है मैम? ये आराम से आपका 10x10 रूम में आराम से चलाएगा, लेकिन उससे बड़ी रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप रखते हैं 2-3 वर्कर्स, बड़े स्तर पे खोलना चाहते हैं, वर्कर्स रखते हैं तो उसको अच्छा से ऑपरेट करना भी आएगा। देख रहे हैं जैसे कि कितनी छोटी मशीन है बट बड़ा धमाका वाला मशीन है, ठीक है, ये छोटी मशीन है, छोटा पैकेट भरा धमाका, ठीक है, तो ये आपको अच्छा बिजनेस करके देगा। ये हर साल चलने वाली मशीन है, हर बच्चे से बूढ़े से सब खाते हैं, सब खाते हैं, ये टोटली मतलब कि आपका चलने ही वाला बिजनेस है, चाहे
आप गांव में खोलिए चाहे बहुत शहर में खोलिए, हर जगह चलने वाला ये बिजनेस है। मैम ये बतला दी है जैसे यहाँ पर एक घंटे में प्रोडक्शन कितना होता है, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है और महीने का कितना कमा सकती है मशीन लगा कर। एक घंटे में आपका 50 kg प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है, महीने का मान के चलिए आपका, मतलब ना भी चले फिर भी आपका 20 से 30 हजार रुपया कोई नहीं छीने हुए, ठीक है। 30 हजार दोस्तों ये मशीन का आप ले जाके दोस्तों 20 से 30 हजार आसानी से इसको मंथली आप कमा सकते हैं। मैम ये सबका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस कितना हो जाएगा ये बता दीजिए दोस्तों। अगर अलग अलग लेना चाहे तो बहुत कम प्राइस में अलग अलग मिल जाता है, कहते हैं कोई कोई कि हमारे पास आधा मशीन है आधा लेना, उनके लिए भी उपलब्ध है। कोई पूरा सेटअप चाहते हैं तो उनके लिए भी उपलब्ध है। वही पूरा सेटअप अगर आप लेते हैं तो मान के चलिए आपका 4.5 लाख तक लागत लगेगा, क्योंकि पैकिंग मशीन भी आ जाती है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर बताया गया दोस्तों चिप्स वाला मशीन आप लोग यहाँ पर मिल जा रहा कम से कम प्राइस में, कोशिश किया जाता है देने के लिए। दोस्तों दिए गए स्क्रीन नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्या मैम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से गुड्डू ब्लॉग चैनल के माध्यम से आएंगे सब्सक्राइब किए रहेंगे तो क्या आप डिस्काउंट मिलने वाला है? हाँ, अगर आप इस चैनल के माध्यम से आते हैं तो हम अच्छा सा डिस्काउंट आपके लिए रखेंगे। जी जी मैम, तो बता दिया गया सब डिटेल दोस्तों यहाँ पर, अधिक जानकारी के लिए दिए गए स्क्रीन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।